हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। आज है 4 सितंबर 2023, यानी कि 4 सितंबर 2023। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के बारे में, और साथ ही साथ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले है, विच कंट्री विंस मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी मालदीव्स। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया ने मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता है, और ये हो कहाँ रहा है? तो ये हो रहा है ओमान में। इसके एक सिटी है सलाले, वहां पे ये एशिया कप 2023 मैच जो है वो हुआ था। और ओमान की कैपिटल अब आपको मैं बता देती हूँ, इसकी कैपिटल है मस्कट, ठीक है। और इंडिया और ओमान के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नसीम अल बाहर, ठीक है, नसीम अल बाहर। ये इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट एंड रेलवे साइंस पैक्ट विथ विच ई कॉमर्स कंपनी टू प्रमोट MSME एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी शॉपक्लूज, ऑप्शन सी अमेजन, या फिर ऑप्शन डी जियोमार्ट। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मींस अमेजन, ठीक है। और अमेजन के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है एंडी जेसी। इनके नाम के बारे में बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि हु इज द सीईओ ऑफ अमेजन, तो आपको पता होना चाहिए एंडी जेसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच शिप डिपार्टेड फ्रॉम श्रीलंका ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 डे विजिट? INS कोलकाता, INS महेंद्रगिरी, INS दिल्ली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के बारे में, तो वो है आंसर हमारा सी, INS दिल्ली, ठीक है। इसका भी आंसर यही INS दिल्ली ही है, जो कि डिपार्ट हुई है श्रीलंका से। और अब हम जान लेते हैं INS दिल्ली के बारे में। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट है, मतलब कि इंडिया ने खुद से बनाया है, फॉरेन बिल्ट नहीं है, कोई और कंट्री ने नहीं बनाया है, इंडिया ने बनाया है। और इसको कमीशन किया गया था ईयर 1997 में, ठीक है, आपको ये ईयर भी याद होना चाहिए। तो 1997 में इसको कमीशन किया गया था, और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, सबमरीन है कि क्या है, तो ये डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सबमरीन है कि डिस्ट्रॉयर है कि एयरक्राफ्ट है, कुछ भी, तो पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री स्टार्टेड इस्लामिक बैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी USA। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, यस, ऑप्शन ए रशिया। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, या फिर अगर आपको नहीं पता है इंडिया के और कंट्रीज के साथ रिलेशंस, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि अगर आप बोले कि इंडिया और रशिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ाना है, तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको पढ़ा दूंगी, अगर आप चाहें तो, ठीक है, आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया को इंडिया का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है ना, तो रशिया ने ही स्टार्ट किया है इस्लामिक बैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये आप देखिए, ये है रशिया का मैप, ये है रशिया की कैपिटल मॉस्को, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स जो है वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, ठीक है। और ये है रशिया, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। जो एक्सरसाइज कंडक्ट होती है रशिया और इंडिया के बीच में,
उसमें से एक है इंदिरा एक्सरसाइज और दूसरी है पासेक्स। इसकी स्पेलिंग में लिख दे रही हूँ, इंदिरा की तो आपको पता हो जाएगी, लेकिन पासेक्स ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए मैं आपको कोई भी कंट्री आती है जिसके साथ इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट करवाती है तो मैं वो साथ ही साथ आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है। अब आगे है, इसराइल हैज लॉन्च्ड विच एयरक्राफ्ट फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, ओरॉन, लूना, होप या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरॉन। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है, अगर हम बोलें एक शॉर्ट टर्म में बोले तो ये एक स्पाई प्लेन है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज एन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनाइसेंस मींस ISR, ISR है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसराइल की जो डिफेंस पॉलिसी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, इसलिए इसराइल ने ये एयरक्राफ्ट बनाया है। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, कैपिटल भी मैं बताती चल रही हूँ क्योंकि वन डे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें कैपिटल पूछ ली जाती है कि कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है। ठीक है, और करेंटली अगर हम देखें तो जो न्यूज में कंट्रीज आती है ना उनकी कैपिटल पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा वर्ल्ड की कंट्री याद कर लेना है, एटलस याद कर लेना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि जो भी कंट्रीज न्यूज में आ रही हैं उनके बारे में आपको इंडिया और उस कंट्री का रिलेशन पता होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यूज पता होनी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी पता होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पता होनी चाहिए, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज भी होती हैं, प्लस उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर वहां की कैपिटल, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए डिटेल में। ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें है विच एप्लीकेशन हैज बीन स्टार्टेड बाई फोन पे फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। ऑप्शन ए ग्रो, ऑप्शन बी शेयर डॉट मार्केट, ऑप्शन सी वजीर एक्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गाइस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मींस शेयर डॉट मार्केट। दिस इज मोबाइल एप्लीकेशन, इट हैज बीन स्टार्टेड बाई फोन पे फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। मैं आपको फोन पे के बारे में बता देती हूँ कि इसको 2015 में बनाया गया था, ईयर भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए 2015, और ये 11 लैंग्वेजेस में, 11 इंडियन लैंग्वेजेस में, इनफैक्ट आप बोलिए तो 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। उसके अलावा अभी ये फेब में न्यूज में था क्योंकि फोन पे ने फेब में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन फैसिलिटी जो है वो भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ये था फोन पे की डिटेलिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि वो कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, या फिर क्वेश्चन आ गया कि हु हैज स्टार्टेड द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फोन पे। अब है आगे, हरियाणा चीफ मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन रैली फ्रॉम विच प्लेस। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी सोनीपत या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। करनाल से ये रैली जो है उसको फ्लैग ऑफ किया है वहां के चीफ मिनिस्टर, जिनका के नाम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अब ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन रैली, इसका एम क्या है आपको इस लाइन से ही पता चल जा रहा है, ड्रग फ्री हरियाणा मतलब कि स्टेट को ड्रग फ्री बनाना है ताकि एक प्रॉस्पेरस, हेल्दियर और सस्टेनेबल लाइफ लोग जी सकें। इसके लिए ये रैली स्टार्ट की गई है, और इस दिन क्या होगा कि ट्यूसडे को जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना वो लोग साइकिल चलाएंगे, कहीं भी वो ट्रैवल करेंगे वो साइकिल के थ्रू चलेंगे, कार का यूज नहीं करेंगे ट्यूसडे को। ये जरूर याद रखिएगा कि ट्यूसडे को सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे साइकिल से, ना कि कार से, जो उनकी सरकारी गाड़ियां होती हैं उनका भी यूज नहीं होगा। ठीक है, ताकि ये अवेयरनेस हो सके कि हरियाणा में ड्रग को नहीं यूज करना है, ड्रग फ्री बनाना है हरियाणा को। आप सबको पता होगा कि वहां पे ड्रग्स का कितना ज्यादा ट्रेड होता रहता है, तो हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है।
और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो सब इससे नलिफाई करना है, ताकि एक हेल्दियर लाइफ लोग वहां की जी सकें। अब आगे हम देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड कमिटी अंडर होम फॉर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन नेशन वन इलेक्शन। आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या फिर नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस रामनाथ कोविंद। एक कमिटी बनाई गई है, ये 8 मेंबर कमिटी है, ठीक है। इसके हेड हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट है इस कमिटी के, ये 8 मेंबर कमिटी के। इन बनाया गया है ताकि एक्सप्लोर किया जाए ये पॉसिबिलिटी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक प्रपोजल है इंडिया के सारे इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। जिस तरह आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, सब अलग अलग टाइम पे होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कहीं अक्टूबर में इलेक्शन है तो कहीं आप अप्रैल में पाएंगे कि इलेक्शन है। तो अब ये इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है ताकि ये जो इलेक्शंस है ना सब एक साथ किए जा सके ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है वन नेशन वन इलेक्शन। और ये फिजिबिलिटी इसकी क्या है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस सब के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए, सारी डिटेलिंग एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, जिसके कि जो हेड हैं वो हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये मेंस में भी आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हरियाणा चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड कार फ्री डे फॉर करनाल फॉर एवरी मंडे ट्यूसडे वेंसडे और संडे। तो अभी मैंने बताया था कि जो रैली है ड्रग फ्री हरियाणा वाली साइक्लोथॉन, उसमें सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ट्यूसडे को साइकिल के थ्रू ट्रेवल करेंगे, अपनी गाड़ी से नहीं करेंगे, ना तो अपनी प्राइवेट या फिर ना ही अपनी गवर्नमेंट गाड़ी से, वो साइकिल से ट्रेवल करेंगे हर ट्यूसडे को। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू स्टार्ट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी मेघालय। सो गाइस, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी नागालैंड, ठीक है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने कि स्टार्ट किया है आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम फैक्ट्स जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं न्यूज में। इसमें पहला है, माधुरी पटेल फ्रॉम नागपुर हैज अर्न द ऑनर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट फोर्थ कमिंग मिसेस यूनिवर्स पेजेंट। जो माधुरी पटेल हैं इन्होंने जीता है खिताब मिसेस यूनिवर्स इंडिया का। अब वो मिसेस यूनिवर्स जो पीजेंट है, जो कि मनाली फिलीपींस, सॉरी जो कि मनीला फिलीपींस में होगा, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। आयतना बोनमाती विंस यूईएफए विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मीन्स ये स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। और यूईएफए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस, ठीक है। और इसके चेयरमैन हैं अलेक्जेंडर कैफरिन, इसके चेयरमैन हैं अलेक्जेंडर कैफरिन, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, वसुधा गुप्ता हैज अज्यूम्ड चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एट आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विसेज डिवीजन। ये वन लाइनर है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं, इंडिया हैज बिल्ट वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल
बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये वर्ल्ड फर्स्ट है जिसको कि इंडिया ने बिल्ड किया है, पोर्टेबल हॉस्पिटल। उसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यू। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, ये तो आपको पता चल ही गया कि ये फर्स्ट पोर्टेबल या फिर हम बोले तो वर्ल्ड फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है। इसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसमें ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर, फूड, वाटर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो क्यूब है या प्रोडक्ट है, उसे इंडिया ने भीष्म प्रोडक्ट, ये पता होना चाहिए, भीष्म प्रोडक्ट, सॉरी भीष्म प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके अंडर बनाया है। और भीष्म फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इस प्रोजेक्ट के अंडर क्यूब जो है वो बनाए गए हैं या फिर प्रोडक्ट बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इनॉग्रल सेशन ऑफ जायद चैरिटी मैराथन विल बी होस्टेड बाई केरला इन 2024। मतलब कि केरला जो है वो जायद चैरिटी मैराथन जो है उसको होस्ट करेगा। अभी केरला न्यूज में था क्योंकि इसने लॉन्च किया है थिरुवनंतपुरम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल केरला के थिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लकी बिल ऐप के बारे में, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अब एडॉप्ट करेगी ताकि ऑल ओवर इंडिया लकी बिल ऐप को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि जो लकी बिल ऐप है, इसको पहले लॉन्च किया था केरला ने अगस्त 2022 में, मींस अगस्त 2022 में केरला ने ये लकी बिल ऐप जो है वो लॉन्च किया था। और उसके बाद देखा गया कि ये ऐप लॉन्च होने के बाद केरला का जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें 26% का इंक्रीज पाया गया जून 2023 में। ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ये इम्पैक्टफुल हुआ कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि इसको एडॉप्ट करेंगे ताकि ऑल ओवर इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि जीएसटी का कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया और बढ़ जाए। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप्स हेल्ड इन जर्मनी। ये चैंपियनशिप जो है वो जर्मनी में हुई है, फिडे मीन्स चेस का है ये। ठीक है, और इसमें जो विनर है टीम वो है डब्ल्यू आर चेस टीम, ये फर्स्ट रैंक आई है डब्ल्यू आर चेस टीम की। और एमजीडी टीम जो है, जो कि इंडिया की है, ये थर्ड रैंक पे आई है। ठीक है, फर्स्ट पे है डब्ल्यू आर टीम और जो इंडियन टीम है उसका नाम है एमजीडी, वो थर्ड रैंक आई है उसकी। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर की जो फ्री पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की हुई है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।